रोक लेगा अच्छा रावया मुझे बड़ी उदासी है मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे एक लड़के ने वो हाथ रोक लिया और हाथ नहीं मारने दिया और तमाम दुनिया ये कहने लगी इसमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि दैट्स द आइडियल हस्बैंड लोग फेंटिसाइज कर रहे हैं इस तरह के हस्बैंड को इसका मतलब हमारे माशरे में नहीं है।, नहीं है ये खुशी की बात नहीं है ये अफसोस की बात है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमने अगर किसी किरदार को अपनी बीवी के लिए या किसी औरत के लिए आवाज़ उठाते हुए देख लिया तो हम खुश हो गए बट इसका एक और एंगल भी है हमारे यहाँ जो रोल मॉडल्स हस्बैंड्स के दिखाए जाते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं वो सीधे चलते चलते अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं और आप कहते हैं यार

अच्छा वो सीन में जब उसने हाथ पकड़ा सेफ किया, उसकी साइड ली स्टैंड mm. एक स्टैंड लिया mm. उसी के अगले सीन के अंदर जब एनी जाके उससे थैंक यू बोलती है तो ये भी बोल रहा है कि यार देखो तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती है ना तब भी मैं ये yeah, बिल्कुल उसको कोई खासियत नहीं दी उसने अच्छा ये सीन क्या बता रहा है एज अ स्टोरी टेलर कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट मैरिज रिलेशनशिप It's because that they both are good personalities. Yeah. Persons, humans. They are human beings. Mm. And they respect each other. It's not because of the glorifying of child marriage thing. No. Mm. It's because they both are human beings. Yeah. They both are understanding each other's problem. और अभी तो आधा ड्रामा हुआ है, अभी तो आपको नहीं पता कि आगे जाके आगे वो कहां जाके exactly, अभी, अभी नहीं तो ड्रामा पताली so so hmm. है ये वाली बात क्रिटिसिज्म जब चाहे करे आप तो, मुझसे uh बैठे मुझसे सीन पर डिस्कशन करें अ सीन उसमें उस, उस आदमी ने अब कल की एपिसोड मैं सीन पे गुफ्तु करता हूँ थोड़ी सी जरूरी है सीन को समझना सीन देखना कैसे चाहिए हमारे ये लोग सीन देखना भी नहीं जानते शायद मुझे लगता है ये भी भूल रहे हैं हमारे सर से क्योंकि हम वैसे सीन देखने के आदि नहीं रहे इतना ज़्यादा टॉक्सिक देख लिया है इतना ज़्यादा टॉक्सिक देख लिया है हम लोगों ने कि अब हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है कल एक सीन था जिसमें एनी जाती है अपने बाप के पास और अपनी सौतीली माँ के पास और वो जाके कहती है और स्टैंड अपनी बहन के लिए mm. तो नाउ दैट्स दी कैरेक्टर डेवलपमेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो अपने वक्त पे जब उससे पूछा गया जब नुमान भाई ने पूरी खानदान के सामने उससे पूछा yeah. हाँ भाई yeah. तुम क्या चाहती हो तो, तो उससे बहुत डरी हुई थी वो. Yeah. वो नहीं बोल सकी, वो नहीं बोल बोल सकी।, बोल सकी। yeah. उस टाइम कैरेक्टर उस जगह पर नहीं था कि वो स्टैंड ले सकता अब कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है वो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंसेस ले रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है तो अब वो इस जगह पे पहुँच गया कि वो स्टैंड ले रहा है डेट्स हाउ अ ड्रामा वर्क्स। अर्ली जजमेंट नहीं पास करें प्लीज़ खुदा के लिए और वो भी दो हज़ार तीन हजार कॉमेंट्स पे yeah. प्लीज, yeah. प्लीज yeah. Cool. Yeah. और वो uh, 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 एक और बहुत मैं, मैं उसके भी आना चाहूँगा कि ये आप क्या बच्चों का रोमांस दिखा रहे हैं मैं कोई बच्चों का रोमांस नहीं दिखा ड्रामा इज लाइफ माइनस अननेसेसरी डिटेल्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्रामा किसी अलग दुनिया की नहीं होती कहानी भाई ड्रामा आपके माशरे का है आपके माशरे के अंदर 12-15 साल की उम्र में अफेयर्स हो रहे हैं अभी आप सैड रियलिटी समझें अच्छी बात समझें ये कंस्ट्रक्टिव बात समझें या आप इसे नेगेटिव बात समझें जो भी है वो आपका पर्सनल लेना देना है मगर जो हो रहा है वो हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा बिल वो मैं मिसाल देता हूँ एक कबूतर से कबूतर की नेचर में ये है कि जब वो बिल्ली को देखती है ना तो कबूतर आँखें बंद कर लेता है आँखें बंद करने के बाद उससे तो एहसास होता है कि मैंने मैंने बंद कर लिया अब मुझे बिल्ली देख नहीं रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती नहीं वो एग्जिस्ट करती है वो आपको खा लेगी ये कहना कि नहीं जी हमारे बच्चे तो बाहर जाके कुछ नहीं करते ऐसा आपके बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं और इसको सुधारने के लिए जब तक आप डंडा मारते रहेंगे राबा कभी सही नहीं होगा मैं भी यही हूँ चालीस साल मेरी भी जिंदगी हो चुकी है कम्युनिकेशन मैंने बहुत कुछ देखा है मैंने वो घर भी देखे हैं जहाँ कम्युनिकेशन गैप है और मैंने वो घर भी देखे हैं जहाँ कम्युनिकेशन है और उन दोनों के असरात भी देखे हैं मेरी ही ड्रामे के अंदर एक ऐसी फैमिली भी है जिसमें माँ बैठ के अपनी बेटी से ये गुफ्तु कर रही है लिसन दैट कॉन्वर्जेशन कि बेटा इस उम्र के अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाना नॉर्मल है हुँ. वो अपनी बेटी को थप्पड़ नहीं मार रही नहीं मार रही वो अपनी बेटी को उठा के बाहर नहीं फेंक रही गाइड कर रही है उसको वो से कह रही बेटा नॉर्मल है बस हुँ. मैं ये चाहती हूँ कि इससे तुम हर्ट ना हो जाओ आज आसान नहीं है ये वाली चीज़ इतनी मासेस में कि कोई माँ अपनी बेटी से बैठ के उसके अफेयर के बारे में मालूम होने के बाद एक छोटी उम्र में yeah. ये बात करें और उसका साथ भी दे और उसको बोल उसका साथ भी दे सही है ये एज बड़ी बारीक एज होती है बहुत नाजुक एज होती है इसमें आप डेवलप हो रहे होते हैं ये जो टीन एज है ना ये आपकी शख्सियत बना रही होती है इसमें आप गुड एंड ईवल की जंग समझ रहे होते हैं आप लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इन्हीं में जो उसूल बन जाते हैं ना इस एज में जो पिलर्स खड़े हो जाते हैं उसी पिलर पे आपकी आने वाली जिंदगी चलती है आपने पिलर पे जरा सा गलत हथौड़ा मार दिया ना तो गलत क्या सब तो गलत हो जाए तो वो अगर मैं ये दिखा रहा हूँ या ड्रामे के अंदर ऐसा है कि वो एक यंग लड़का पसंद करता है या लड़की पसंद करती है तो दिस इज़ हैपनिंग दैट्स दे, देयर इमोशंस ट्राई टू तो कम्युनिकेट कम्यूनिकेट योर किड्स प्लीज डोंट क्रिटिसाइज़ द ड्रामा इकबाल का ना एक शेर है आपका कॉमी शायर है ना अमामा इकबाल बहुत बड़े फ़लसफी हैं डॉक्टर अलामा का मतलब होता है इल्म रखने वाला इकबाल है वो। तो भाई मेरी बात ना मानो उनकी बात मान लो अमामा इकबाल कहते हैं खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर अब खिरद जो है अक्ल है अब अक़ल के बारे में बात हो रही है कि खिरत को गुलामी से आज़ाद करें यानी अक्ल को गुलामी के सेक्शन में हमने डाला हुआ है उससे आजाद करें कैसे आज़ाद करें भाई जवानों को पीरों का उस्ताद कर खरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर जवान। जवानों को पीरों का उस्ताद कर पीर उर्दू में कहते हैं बुजुर्ग को पीर ये वो जाली पीर नहीं तावीज़ गंडे वाले बुजुर्ग तो क्यों इकबाल बुजुर्गी में एक ऐसी एज में जिसमें वो खुद बुजुर्ग हैं वो ये बात क्यों कर रहे हैं कि जवानों को करो नौजवान नस्ल हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है और शार्प भी है माशाल्लाह और वो शार्प है आपको उनसे सीखना पड़ेगा आपको उन्हें अहमियत देनी पड़ेगी मैं रस्म व रवाज के खिलाफ नहीं हूँ मैं खुद एक ऐसे घराने में पला हूँ जहाँ पर रस्म व रवाज है मेरा कहना यह है कि रस्म व रवाज को रखिए मैं आज भी उस स्कूल ऑफ था का मानने वाला हूँ कि अगर कोई खातून यहाँ दरवाजे से बाहर जा रही होंगी तो मैं आगे बढ़ दरवाज़ा खोलूँगा इट्स नॉट अबाउट दी इक्वालिटी थिंग कि जेंडर बायस हो जाऊँ और मैं कहूँ कि यार इक्वल है सब खुद ही खोल लो खुद ही खोल लो <laughs> नहीं भाई आ, मुझे सिखाया गया है कि एक औरत का एहतराम करना है मेरे घर में सिखाया गया है ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ही घर में मैं जब नापा पढ़ने के लिए गया तो एक एक रिवायत